समाजवादी पार्टी से नाराजगी की चर्चा और एक के बाद एक सपा नेताओं के इस्तीफे की खबरों के बीच आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान के परिवार से मुलाकात की। आजम खान के घर पर बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी तंजीम फातिमा से उनका हाल जाना। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की। जयंत चौधरी और आजम के परिवार के बीच हुई इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद आजम खान के सपा को अलविदा कहने की आशंकाओं ने भी जोर पकड़ लिया है। बता दें कि आजम खान को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने के बाद से ही नाराजगी की खबरें हैं। आजम खान के करीबियों ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उनके मीडिया प्रभारी सफाहत अली खान शानू ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर अनदेखी का आरोप लगाया था। जयंत चौधरी ने आजम खान परिवार के लारलोद में जाने की खबरों से इनकार किया है। जयंत चौधरी ने इस मुलाकात को पारिवारिक बताया। रालोद में शामिल होने के सवाल पर कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं है, हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। जयंत चौधरी ने अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा से मुलाकात के बाद कहा कि परिवार से जेल में बंद आजम खान किस प्रकार समय गुजार रहे हैं, उसको लेकर जानकारी ली है। मुलाकात के दौरान परिजनों ने उम्मीद जताई है कि आजम खान को जल्द जमानत मिल जाएगी। आजम खान के रालोद में जाने के सवाल पर कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, जब परिणाम अच्छे नहीं आते तो ये चीजें होती हैं, लोग सवाल करते हैं। रालोद अध्यक्ष से जब पूछा गया कि कार्यकर्ता नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ये सपा यानी उनका मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये मेरा विषय नहीं है। बता दें कि समाजवादी पार्टी से आजम खान के समर्थक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो आजम खान रामपुर से लोकसभा सीट और राज्यसभा में भी अपने करीबियों को टिकट दिलाना चाहते हैं, जिसके लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।